हेलो इंस्टेंट रेसिपी विथ सोनाली में सबका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में हम जल्दी से फटाफट कैसे ये पास्ता बना सकते हैं, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पास्ता को माइक्रोवेव में बॉईल करके लेंगे। यहाँ पे मेरा पास पास्ता है, इसे हम माइक्रोवेव में बॉईल करके लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा बाउल पास्ता लिया है, कच्चा पास्ता है, और इसे हम इस बाउल में बॉईल करके लेंगे। बॉईल करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें पानी लूँगी। हम पानी लेंगे, इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार सॉल्ट ऐड करेंगे। और सबसे पहले हम इस वाटर को माइक्रोवेव में गरम करके लेंगे। पास एलजी का ऑल इन वन कन्वेंशनल ओवन है। अब मैं ओवन में इस बाउल को रख रही हूँ और अब हम इसे हाई पावर पे 2 मिनट के लिए वाटर वार्म करके लेंगे, गरम करके लेंगे। हमारे 2 मिनट्स हो गए हैं और हमारा पानी गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये सारा पास्ता डालेंगे, कच्चा वाला पास्ता उबालने के लिए। बाउल को मिडल में रख देंगे, क्लोज करके हाई पावर पे हमें इसे सबसे पहले 4 मिनट्स के लिए लगा लेंगे। हमारे 4 मिनट्स हो गए हैं, अब हम देखेंगे हमारा पास्ता कुक हुआ है नहीं। अभी कच्चा है, एक बार अच्छी तरह से हिला के लेंगे। फिर से हम हाई पावर पे 4 मिनट्स के लिए लगा लेंगे। हमारे 4 मिनट्स अगेन हो गए हैं और हमारा पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इस बाउल को बाहर निकालेंगे और इसे हम छन्नी से सारा पानी ड्रेन करके लेंगे। और ये हमारे पास्ता हमारा ये अच्छी तरह से माइक्रोवेव में बॉईल हो चुका है। अब हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं कांच के बाउल में 1 टेबलस्पून बटर ले रही हूँ और उसमें मैंने एक कटा हुआ गाजर और थोड़ा सा शिमला मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आपके पास कॉर्न हो तो आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे और माइक्रोवेव में हम इसे सबसे पहले माइक्रोवेव करके लेंगे। मैंने बटर और सब्जियां ऐड करके माइक्रोवेव में रख दिया है। हाई पावर पे मैं सबसे पहले इसे 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करके लेती हूँ। हमारा 1.5 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी यहाँ जो है वो बटर में अच्छी तरह से कुक हो गई है। हम इसे सबसे पहले बाहर निकालेंगे। शिमला मिर्ची को मैंने साइड में रख दिया है। इस बाउल में 1/2 टेबल स्पून बटर ले रहे हैं और उसमें 1 टेबल स्पून हम मैदा ऐड करेंगे, ऑल पर्पज फ्लावर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। ना,
और इसे 30 सेकेंड के लिए हम माइक्रोवेव करके लेंगे। मैंने बाउल को अंदर रख दिया है, हाई पावर पे 30 सेकेंड के लिए लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे 30 सेकेंड हो गया है और हम एक बार अच्छी तरह से हिला के लेंगे। बाउल को मैं नीचे लेती हूँ और इसमें हम अभी 1 कप मिल्क ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके लेंगे। और इसे हम माइक्रोवेव में रखेंगे। हाई पावर पे हम इसे अभी 3 मिनट के लिए लगा लेंगे। व्हाइट सॉस हमारा रेडी होने लगा है। अब हम इसमें, मैंने अमूल का चीज़ लिया है वो ऐड कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं ये वेगीज भी ऐड कर रही हूँ, मिक्स करके लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम अब बॉईल किया हुआ पास्ता भी ऐड करेंगे। और मिक्स करके लेंगे। इसमें हम अभी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे स्वादानुसार, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से सबको मिक्स करके लेंगे। हमने सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं और अब हम इसे सिर्फ 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करके लेंगे। हाई पावर पे 30 सेकेंड हो गए हैं और बाउल को हम अब बाहर निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितना व्हाइट सॉस पास्ता माइक्रोवेव में बन चुका है अच्छी तरह से। और यहाँ पे हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे निकालेंगे सर्विंग प्लेट पे। ये हमारा टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता माइक्रोवेव में बनके रेडी है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ, वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।